डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं और काफी कुछ न्यूमेरिकल। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसके बेस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं और उसके रिलेटेड सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो भी देखते जाते हैं, क्योंकि कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन समझ में आ गया तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो केस है अभी तक का जो बताया है उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तो केस जो है, जो थर्ड वाला केस है, वो भी समझ में आ जाएगा। इसके पहला जो पहला मैंने वीडियो बताया था बेसिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का पहला, सर्वेइंग एडवांस सर्वे का पहला नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग कैलकुलेट द आरएल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा दिया है। ठीक है, समझ लेते हैं क्या बोला है। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए और बी दिया है। रीडिंग ऑफ बेंचमार्क, मतलब ए से बेंचमार्क पे रीडिंग देख रहे थे ये आ रहा है, बी से बेंचमार्क पे रीडिंग देख रहे थे ये आ रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ए से एंगल ऑफ एलिवेशन इतना आ रहा है, बी से इतना आ रहा है। ठीक है, आरएल ऑफ बेंचमार्क दिया 100 मीटर, डिस्टेंस ए बी 30 मीटर, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस दे दिया 30 मीटर। अब यहां पे देखो ये कंडीशन बताएगा कि क्या कंडीशन है। हॉरिजॉन्टल एंगल एट ए पर जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो बिटवीन बी और टावर के बीच का है, और जो हॉरिजॉन्टल एंगल बी है वो बिटवीन ए और टावर के बीच का इतना एंगल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए और बी और टावर एक लाइन में नहीं है। मतलब कहने का मतलब ए तुम्हारा यहां पर है, बी तुम्हारा यहां पे है, टावर तुम्हारा यहां पर है। ठीक है, टावर को मैं टी से इंडिकेट कर लेता हूं, समझ में आया। मान लो टावर आपका ऐसे है, इस तरीके से है टावर। ठीक है, ये अलग अलग लेवल है। ओके, समझ में आया, ये अलग अलग लेवल है। अब इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बोला है 30 मीटर है। ठीक है, तो देखिए ये मैं एंगल आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ये 30 मीटर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एंगल दिया है। देखिए एंगल एट ए बिटवीन बी एंड टावर, बी और टावर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, इसको मैं मान लेता हूं ना अल्फा वन। ठीक है, अल्फा वन कितना दिया है, 75 डिग्री 24 मिनट। फिर बाद में बी भी दिया है, एंगल एट बी कितना है, अल्फा टू मान लिया मैंने, और इसकी वैल्यू दिया है 80 डिग्री 36 मिनट। समझ में आ रहा है, इसकी एंगल, इसका एंगल नहीं पता क्या होगा, आई डोंट नो, मान लो कुछ होगा। ठीक है, कुछ भी मान लो बीटा मान लिए। ठीक है, इसके एंगल नहीं पता टावर पे क्या एंगल हो रहा है, क्योंकि हम टावर पे जा ही नहीं रहे तो एंगल कहां से नोट डाउन करेंगे। और एंगल फाइंड आउट करना है तो इजी है, क्या तरीका है देखो, हॉरिजॉन्टल है ना, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, रीडिंग हॉरिजॉन्टल ही ली गई है। तो ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल 180 में से इन दोनों का ऐड करके माइनस कर दो, कोई भी एंगल मिल जाएगा, कर लेते हैं आसान रहेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना है 75 डिग्री 24 मिनट प्लस 80 डिग्री 36 मिनट, ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल कितना आ गया 24 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिग्री आ गया। ठीक है, 24 डिग्री आ गया। ठीक है, 24 डिग्री आ गया। अब 24 डिग्री आ गया तो अभी देखिए एक कंडीशन हमने पढ़ा है साइन रूल। देखो बाकी ये एंगल हम यहां से ये इंस्ट्रूमेंट बना दूंगा मैं, अगर मान लो ये इंस्ट्रूमेंट बना दिया यहां से, फिर यहां पर ये हॉरिजॉन्टल तो है ही है, यहां से मैं इसको टॉप का देख रहा हूँ, यहां पर टॉप का देख रहा हूँ तो एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे जब मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ तो यहाँ पे इसका टॉप पे देख रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है। पहला ए के साथ देख रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है, 15 डिग्री 24 मिनट बता रहा है। यहां से जब देख रहा हूँ तो 15 डिग्री 42 मिनट बता रहा है। वो बाद का कंडीशन देखेंगे, पहले ये कंडीशन से मुझे ये इसका हॉरिजॉन्टल या ये हॉरिजॉन्टल मुझे मिल जाए। ठीक है, एटी मिल जाए या बीटी मिल जाए, तो इसका हॉरिजॉन्टल मिल गया तो मुझे ये सिर्फ ये एच फाइंड आउट करने होंगे, इसकी हाइट कितनी होगी ये, और जितनी हाइट होगी ये बेंचमार्क से उतना ऐड करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है,
मैं इसकी कंडीशन अगर मैं बात बताऊं, मान लो ये चिमनी है, ठीक है, ये चिमनी है, ठीक है, इसका मान लो कि यहां पर बी बी मैंने पॉइंट बना दिया, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ये बी मैंने बनाया बी पॉइंट, इसका यहां से ये डी नहीं पता है, ये डी, लेकिन ये बी टी पता हो गया, तो ये डी पता हो गया, ये डी पता हो गया, यहां से जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल आपको मान लो पता है, ये 15 डिग्री पता है, दिया है, ये मिल गया, तो इस लेवल पे तो ये तो पता चल गया ना, और ये जो लिया गया है बेंचमार्क पे, ये भी रीडिंग है, तो ये इसमें ऐड करेगा और इसमें से ये ऐड करेगा, ये एच, तो मिल जाएगा, सिर्फ कंडीशन में सिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये डी ही तो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट कर लो, चाहिए ये फाइंड आउट कर लो, बस कंडीशन यही। तो इसमें जो रूल्स होता है वो होता है साइन रूल, ध्यान देना, ये साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन रूल। और साइन रूल क्या बताता है वो चीजें मैं बता देता हूं। साइन रूल बताता है कि एंगल अपन साइन उसके अपोजिट, मान लो ये यहाँ पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये ट्राइंगल है ए बी और ये टी है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा वन है, यहाँ पे अल्फा टू है, यहाँ पे अल्फा थ्री है, तो यहाँ पे ये क्या बताता मालूम है, ये ए टी अपन साइन अल्फा टू, ए टी अपन मतलब ये डिस्टेंस अपन साइन अल्फा टू, मतलब ये बाकी जो दो साइड बचे उनके बीच का एंगल, फिर ये जब बताते हैं बी टी तो ये साइन अल्फा, बी टी अपन साइन अल्फा वन, फिर ए बी बताते हैं तो ए बी अपन साइन अल्फा थ्री रहता है, ऐसे ही साइन रूल बताता है। तो यहाँ के कंडीशन पे देखो, यहाँ के कंडीशन पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं ए टी लेता हूं तो ए टी अपन क्या होगा, ए टी अपन ये एंगल होगा साइन 80 डिग्री 36 मिनट, इक्वल इक्वल क्या होगा, ये ए टी ले लो, ए टी ले लिया तो बी टी ले लो, बी टी, बी टी अपन क्या होगा, ये बी टी लिया ना तो ये एंगल आएगा साइन 75 डिग्री 24 मिनट, फिर उसके बाद से ये ए बी, ए बी लिया और ए बी अपन ये एंगल साइन 24, और आपको पता है कि ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया है, देखो ए बी 30 मीटर दिया है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 30 अपन साइन 24 डिग्री, यहां पे देखिए 30 डिवाइड बाय साइन 24 डिग्री कितना आ गया 73.75, इसकी वैल्यू मिल गया 73.75, तो ये जो वैल्यू है ये इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर ए टी मुझे फाइंड आउट करना है या बी टी फाइंड आउट करना है, तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा, होगा ना ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 73.75 साइन ए टी ले रहा हूं तो साइन ए 80 डिग्री 36 मिनट, यहां पर कर लेते हैं, ये वैल्यू तो है ही है, बस इसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ये जो वैल्यू था उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया आंसर में, और क्या है साइन 80 डिग्री 36 मिनट कर दिए, इक्वल कर दो तो कितना आ गया 72.767, मतलब 77 लिख ले 72.77 मीटर, 80 मिल गया, 80 मतलब ये मिला, तो 80 मिला तो 80 कंडीशन लेके चलेंगे, 80 कंडीशन लेके चलेंगे, मतलब ए वाले का बेंचमार्क कितना आया है, ये आया 1.5, मतलब मुझे इसके टॉप का टावर फाइंड आउट करना है, तो आर एल ऑफ टॉप ऑफ टावर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो पहले तो आर एल ऑफ बेंचमार्क, फिर बी एस क्या होगा, मेरी बी एस की वैल्यू जो होगी वो 1.55 होगी, ध्यान रखना मेरी बी एस की रीडिंग क्या होगी 1.55 होगी, और एंगल क्या होगा, देखिए यहाँ पे एंगल ये होगा, एंगल ये, तो एंगल ए के बेस पे मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लूंगा, पहले उसके बेस पे मान लो एंगल ए 1524 है, यहाँ मान लो ए का लिया मैंने, ए का लिया है तो ये एच वन मिल जाएगा, ये एच वन मान लिया, तो एच वन कैसे मिलेगा, वही 10 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा एच वन इक्वल टू 10 15 डिग्री, ध्यान देना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 10 15 डिग्री 24 मिनट, आ गया वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सा कंडीशन क्या होगा, डी डी होगा, डी भी ध्यान रखने का, कैसे होगा इसमें देखो डी, अरे 10 एंगल एच वन अपन डी होगा, तो एच वन इक्वल टू क्या होगा डी 10 दिस एंगल, तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये आर एल कितना दिया है, ये 100 दिया है, ये 1.55 है, और इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे,
ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, डी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, डी की वैल्यू इतनी आ गई है, जिसके कंडीशन से ए टी की वैल्यू वही डी होगी, तो 72.77 10 15 degree 24 minutes वैल्यू कर लेंगे। पहले तो यही वैल्यू कर लेते हैं, ये तो है ही है, उसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 10 ये मल्टीप्लीकेशन करना था पहले मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आंसर नहीं आया, तो सबसे पहले इसको डिलीट करो, पहले आंसर लिखो फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन करो, ध्यान देना ये आंसर लिख के मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 कितना है 15 degree 24 मिनट, ये हो गया, ये वैल्यू मिल गई, इक्वल कर लो, फिर प्लस करो 1.55 का, फिर प्लस करो 100 का, किए वैल्यू जितनी आ गई 121.59 meters, ये हो गया आरआर ऑफ टॉप ऑफ टावर। इस तरीके से करेंगे तो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो तीसरा केस है ना, ये तीसरे केस पे ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वही सेम अगर यहाँ पर आप बीटी फाइंड आउट करते हैं तो बीटी के बेस पे क्या करते हैं, तो बीटी के बेस पे होता तो ये जो बीटी मतलब डी मिल गया, यहाँ पे बीटी की वैल्यू डी लिखते हैं, और यहाँ पे बी से जो बेंचमार्क पे रीडिंग रहती है वो लिखते हैं, और ये एंगल बी से जो लिया गया था वो लिखते हैं, बस यही कंडीशन है, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं आपको आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते रहिए क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मैंने अभी प्रीवियस कराए हैं उस क्वेश्चन को देखें कि ताकि आपके जो फंडा है वो क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो सके, कि ताकि आपका और मेरा दोनों ही फंडे बेटर रहें। तो ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए, समझते रहिए और अपने फ्यूचर को बेटर बनाते रहिए, तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें कि ताकि आपको पहले वीडियो मिल सके, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको, या सर्वेइंग पढ़ रहे हैं या सर्वे से रिलेटेड नॉलेज लेना है, तो उनको जरूर ये शेयर करें कि ताकि वो भी आपके फ्रेंड हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।